हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। सबकी लाइफ एंड स्टडीज सब बहुत अच्छी चल रही हो। ओके, तो ये वीडियो जेई 2020 और जेई 2021 एस्पिरेंट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे इतने दिनों से, आप इतना कमेंट सेक्शन में मुझे भेज रहे थे, मुझे DMs भेज रहे थे, वो कोर्स अब आ चुका है। AcadBoost का 11th का क्विक रिविजन कोर्स फाइनली अब लॉन्च हो चुका है। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। मुझे पता है मुझे बहुत लोगों को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील हुई थी क्योंकि हम इतने दिन से डाल नहीं रहे थे, तो आई एम सॉरी थोड़ा देर लगता है कि क्या कि इसमें हम लास्ट टाइम एडिटिंग है, थोड़ा बहुत टेक्निकल काम भी देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। हम अगली बार से ट्राई करेंगे फास्ट हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि कंटेंट क्या होगा, किसके लिए है, कैसे यूज़ करना है, प्राइसिंग क्या रहेगी और वैलिडिटी कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कंटेंट क्या होगा। तो बेसिकली इसके अंदर हमने 11th क्लास का जो सारा सिलेबस है, जेई मेन और जेई एडवांस लेवल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? या जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जेई एडवांस की भी बात कर रहे हैं, उस लेवल का कंटेंट मैंने आपको लगभग 40 आवर्स के पैकेज में मैंने स्टोर किया है। उसमें क्या होगा आपको, अब आप बोलेंगे कि यार 40 आवर्स के अंदर कैसे पैक कर लिया, 200-300 घंटे की पढ़ाई होती है। हाँ, तो बताते हैं। तो देखो, ऐसा होता है कि अभी जो बच्चे 11th में हैं और जो बच्चे 12th में हैं, दोनों तुम दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग अभी जैसे 2020 एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी एग्जाम होने वाला है 1 महीने बाद, और आगे और भी एग्जाम्स हैं उनके 2-3 महीने बाद, वेट सेट वगैरह, तो उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, कि जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन बना पाए। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स तो ऑलरेडी लॉन्च किया था आपके लिए, एब्सोल्यूट मैड लैडर, वो सब तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस्ड थे। ये जो कोर्सेज है कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग पे फोकस्ड है, और इनमें आपको 11th क्लास का सारा जो भी मटेरियल है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे इन अ वेरी ब्रीफ मैनर और टू द पॉइंट वे में। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इस चीज़ का प्रूफ कैसे है, इस चीज़ का ये कैसे है, वो कैसे, फालतू चीज़ें बिल्कुल कट है। केवल जिन चीज़ों से नंबर आते हैं, जिनसे एग्जाम में मार्क्स आते हैं, वही चीज़ें डिस्कस की गई है और अच्छे से डिस्कस की गई है। मतलब जैसे आपको ये नहीं बताया गया है कि मोमेंटम इनर्शिया ड्राइव कैसे होता है, ये जरूर बताया गया कि उसको सॉल्व, उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, जेई मेन, जेई एडवांस लेवल की है, जो भी है, ठीक है? तो अगर जो पहले वाला जो कोर्स था वो इट वाज मोर ऑफ ए न्यूमेरिकल थिंग, ठीक है, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके बता रहा था, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझाऊंगा मोस्टली कि ये चीज़ें आती हैं, इनसे आप कर सकते हो, ठीक है? दिस इज मोर कम्प्लीट देन दैट। तो ये हुआ ये बात, ठीक है? तो कंटेंट इसका ये रहेगा कि अपन कम समय में बहुत अच्छे से 11th का रिविजन कर लें। ओके, किसके लिए? तो यहाँ पे अब ये कोर्स की ब्यूटी है कि ये सभी बच्चों के लिए वैलिड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम कौन सी भी क्लास में हो। अगर तुम 12th में 2020 देने वाले हो तो तुम इसको भी फटाफट से यूज़ करके 11th रिवाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे ना, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं 12th मोर और लेस क्लियर होगा, मतलब तुम्हें आता होगा कि 12th में यही है। अब 11th लोग भूल के बैठे होते हैं, 11th से आते हैं 40-50% क्वेश्चन, तो तुम्हें अगर 11th भी बनाना है अपना बहुत जल्दी, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इससे बढ़िया तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने बाकी जगह देखा है और मैंने उसके बेसिस पे उनकी कमियां ढूंढ के फिर ये बनाया है। ओके, 2021 एस्पिरेंट्स के लिए तो काम का ही है, क्योंकि तुम लोग अभी 12th में जाने वाले हो, तुम्हारी 11th अभी खत्म हुई है, तो तुम्हारे अभी सबकी, ऑलमोस्ट सबकी प्रिपरेशन में गैप्स होते हैं, ठीक है? तो ये कोर्स से तुम्हें गैप्स क्लियर होंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग होगी, और पता चलेगा कि यार कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे थे, किस तरीके से आप, मतलब क्या है कि आपका इतना सारा सिलेबस हो गया ना तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो काफ़ी, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा कि यार ऐसा ऐसा है। ओके, और आप इसको 12th में पूरे टाइम रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि आपके ऐसा तो है नहीं अभी टेस्ट खत्म हो जाएंगे, 12th में भी टेस्ट होंगे, 1 साल बाद है आपका एग्जाम, 1-1.5 साल बाद, तो उसके लिए आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है, जिसे आप सबसे कम समय में अच्छे से रिविजन कर सकते हो, ठीक है? कोई बच्चे 9th-10th के बहुत एम्बिशियस लोग हों, नॉलेजेबल लोग हों, ज्ञानी लोग हों, उनके लिए भी काम करेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 9th-10th के होते हैं, जैसे मैं जब 9th-10th में था तो मैं बहुत पढ़ता रहता था 11th क्लास का मटेरियल, तो उस समय अगर, उस समय तो हालांकि ऑनलाइन का ज़माना था नहीं, मतलब 2013-14 की बातें कर रहा हूँ मैं, 14-15 की, तो अगर इस तरह का कोई कोर्स, मतलब मैं इस तरह की चीज़ें, हमारे टाइम बुक्स होती तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेता रहता था कि 11th का कैसे पढ़े ये वो, तो तुम में से कोई 11th का पढ़ना चाहता है कम समय में, क्योंकि 11th का पूरा पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 9th-10th में, बट कम समय में इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको जाननी हो जो आपकी ओलंपियाड वगैरह के लिए काम आएगी, तो ये कोर्स आपके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी सूटेड रहेगा। हाउ टू यूज़, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पे जाओगे वहाँ पे आपको कोर्सेज की लिस्ट मिलेगी, ठीक है? तो वहाँ पे इस कोर्स का नाम है बेबी योडा कोर्स, ठीक है? बेबी योडा कोर्स, ठीक है? हमारे सारे कोर्सेज मीम्स पे बेस्ड होते हैं, तो इस कोर्स को हमने बेबी योडा मीम पे बेस किया है। तो आप जाएंगे उस कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको कौन सी वैलिडिटी लेनी है, वैलिडिटी का मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में कि किन किन वैलिडिटी में हमने कोर्सेज क्या क्या प्राइसिंग है, सेलेक्ट करो कौन सी वैलिडिटी लेनी है, उसके बाद आप क्लिक करो ऐड टू कार्ट, उसके बाद आप कार्ट में या प्रोसीड टू बाय पे जाओ, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आप पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो, UPI वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप माय कोर्सेज सेक्शन में जाना वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे जो आपने खरीद रखे हैं, जिसने पहले वाले कोर्सेज खरीद रखे हैं तो उसमें पहले भी कोर्सेज डिस्प्ले होंगे, उनमें जाके आप क्लिक करें और आपको लिस्ट दिख जाएगी, आप वो कोर्सेज व्यू कर सकते हो, ठीक है? ईजी है एकदम प्रोसीजर,
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ नहीं है। यहाँ आपने कवर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइसिंग और वैलिडिटी, ठीक है। तो मैं एकदम ट्रांसपेरेंट वे में बताऊँगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो एक चीज़ मुझे लगा कि मैं सब्सक्रिप्शन टाइप का मॉडल लॉन्च करना चाहिए कि आप एक महीना का लेते हो तो इतना, दो महीने का लेते हो तो इतना, इस तरह का कुछ, ठीक है। उसके हिसाब से हमने कुछ प्राइसेस डिसाइड किए, ठीक है। तो ये मैं भी हटा देता हूँ। तो आप प्लीज़ एंड तक देखना ये प्राइसिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल अपने हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्या लेना है उसके हिसाब से भी बताऊंगा कि आपकी किस तरह के स्टूडेंट हो उसके हिसाब से आपको क्या लेना है वो मैं बता दूंगा अच्छे से। तो क्योंकि मैं ये कोर्स शेयर करने से पहले आपका मैं मेंटर पहले हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस देने की ट्राई करूँगा जिस जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, न कि केवल हमारे लिए, ओके। तो आपका पहला वेरिएशन है 1 मंथ का, दूसरा वेरिएशन है 3 मंथ्स का, तीसरा वेरिएशन है आपका 6 मंथ का, और चौथा वेरिएशन है आपका 1 ईयर का, यानी 12 मंथ्स का, ठीक है। 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 365 डेज, ठीक है। तो ये हुआ आपके वेरिएशंस। तो ये वाला जो कोर्स है आपका, ये वाला अवेलेबल है आपका 3999 रुपीज में, ये वाला जो कोर्स है वो आपका अवेलेबल है 6499 रुपीज में, ये वाला जो कोर्स है वो आपका अवेलेबल है 7999 रुपीज में, और ये वाला जो कोर्स है ये आपका अवेलेबल है 9649 रुपीज में, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि यार इसका किराया क्या क्या, प्राइसिंग आपने किस तरह से रखा है, कौन सा मैं लूँ, 12 महीने का लूँ, 1 महीने का लूँ, क्या है क्या नहीं, मैं बताने वाला हूँ सारा। तो देखो, ऐसे देखा जाए तो कोर्स की ड्यूरेशन है 35 आवर्स की, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल अगर तुम देखो तो इसको तुम कर सकते हो 1 महीने के अंदर कंप्लीट, ठीक है, अगर तुम इन प्रिंसिपल देखो तो। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले कोर्स के बेसिस पे जो रही है वो ये रही है कि यार बच्चे 35 आवर्स का कोर्स, जैसे एब्सोल्यूट मैंडेट था वो 25 to 30 आवर्स का ही था, ये 35 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 40 का है, उसको करने में बच्चे अभी तक कर रहे हैं, कोई कोई बच्चे उसको, ठीक है, मतलब 3 महीने भी लग गए हैं कुछ बच्चों को करने में। क्योंकि क्या होता है कि मैं बोल तो देता हूँ कि यार ये चीज़ 35 घंटे की है, लेकिन उसमें समझना, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वापस जाना, प्रॉब्लम्स में कहीं कहीं पर कराई है तो उनको पॉज करके खुद सॉल्व करना, कहीं कहीं पर मैंने बोला है कि ये वाली बुक परचेस, सॉरी ये वाली बुक देख सकते हो, एनसीईआरटी में रीडिंग करनी है, तो ये सब अगर आप कंबाइन करोगे ना तो मेरे हिसाब से आराम से 100 to 120 आवर्स लग जाते हैं इसको करने में, अगर तुम ढंग से पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए 1 महीने में करना पॉसिबल तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर तुम्हें ढंग से करना है ना तो तुम्हें लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो इसलिए हमने 3 महीने का वेरिएशन भी रखा है, ठीक है। अब मैं प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा बाद में कैसे क्या सेट है। अब बात करते हैं कि ये क्यों रखा गया है, ठीक है। तो ये क्यों रखा गया मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इसलिए क्योंकि यार ऐसा थोड़ी है कि तुम एक ही बार पढ़ोगे, केवल कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम बार बार पढ़ोगे, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल तुमने जैसे 11th का भी चलो कोर्स लेके रिवाइज कर लिया, चलो ठीक है, तुमने कर लिया 2 महीने में, कर लिया 1 महीने में, कर लिया चलो ठीक है, फिर तुम्हारे क्या बाद में टेस्ट नहीं होंगे 12th में। मैं 11th वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ अभी, जो 2021 एस्पिरेंट्स हैं, तुम लोगों के बाद में 12th में टेस्ट होंगे, बाद में तुम्हें कभी रिविजन करना रहेगा, और लगभग आप ये मान लीजिए कि आपके जेई प्रिपरेशन में आपको कम से कम 10-11 बार 11th का रिविजन हो जाना चाहिए, 11th का भी और 12th का भी, 12th का मे बी 7-8 टाइम्स, 11th का 11-12 बार, ठीक है। मैं खुद मुझे याद है 2-3 बार तो मैंने 9th 10th में पढ़ा होगा, 2-3 बार मैंने 11th में खुद पढ़ा, 2-3 बार मैंने जेई 12th में पढ़ा, 2-3 बार मैंने रिविजन किया जेई मेन के लिए, 2-3 बार रिविजन किया जेई एडवांस के लिए। इस तरह से आप ओवरऑल रिविजन्स की बात करो ना, लंबे छोटे रिविजन सब मिला के वो हो जाते हैं लगभग आपके 7-8-10 तो हो ही जाते हैं। तो आप ये बार बार यूज़ करोगे जब आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने ले लिया, फिर आपको बाद में पता चलेगा कि मेरे को और ज़रूरत है, तो बाद में और लोग, इससे बढ़िया मैंने सोचा कि कम प्राइस करके बड़ा वाला अपन वैलिडिटी भी पैक रखते हैं, ठीक है। तो ये हुई एक बात। जो 9th 10th वाले बच्चे हैं तुम भी इसका यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए भी ये किया हमने। अब जेई 2020 वाले एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको मैं बोलूँगा कि तुम इन पे ज़्यादा ध्यान दो, पहले दो पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम लोग 6 महीने लेके क्या करोगे, ठीक है, तुम्हारा तो होने वाला है। अब तुम में से अनलेस कोई सोच लिया कि मैं तो ड्रॉप करने वाला हूँ तो वो बात अलग है, उसमें तुम 2021 वालों की बातें सुनना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा जेई एडवांस जेई मेन जो है तुम्हारा 1 महीने बाद है, ठीक है, तो तुम ये वाला ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है यार कि मेरे को तो बिट सेट के लिए भी तैयारी करनी है या मेरे को एडवांस के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये एडवांस और बिट सेट में भी काम आएंगे आपको, ठीक है। पहले वाले कोर्सेस मोर जेई मेन ओरिएंटेड थे, ये जेई एडवांस लेवल का भी हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, और जेई एडवांस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मैं एक और लॉन्च करूंगा एक लगभग मार्च के एंड में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, उसमें 11th + 12th सबका होगा, ठीक है। तो तुम लोग अगर तुम ऐसा रखते हो कि मैं एडवांस तक चाहिए, बिट सेट के लिए चाहिए, तो तुम 3 महीने वाला वेरिएशन ले सकते हो, ठीक है। अब 2021 वालों से बात करें, क्योंकि तुम्हारे लिए मेनली बनाया मैंने ये। तो देखो, 1 महीना का कोर्स तुम अगर लेते हो ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से लेने को तुम ले सकते हो, लेकिन 1 महीने में मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि अनलेस तुम बहुत ब्राइट हो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें 3 महीने से ट्राई करना चाहिए। ये कोर्स हमने इसलिए डाला है कि कोई जैसे 2020 वाले बच्चे हैं या कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं यार कि हमें बहुत मतलब इतना नहीं कर पाते, तो हमने सोचा कि एक थोड़ा लेस प्राइस पर हमें कोर्स बनाना चाहिए। बट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो इनको लो, इसलिए हमने इनको थोड़ा यूनिट बेसिस पे देखा तो चीप किया। ये लगभग 4000 पर मंथ है,
ये वाला तुम देखोगे ये 2.5 के पर मंथ है लगभग, ठीक है। ये वाला भी आपका 1.2-1.3 के पर मंथ है, मतलब पर मंथ की बात करें तो। ये वाला तो आपका 800-900 रुपये का ही है, दिस इज़ लाइक 0.9, है ना, 0.9 भी नहीं है, 0.8 है ये, ठीक है। तो आप अगर यूनिट बेसिस पे बात करो ना, तो मेरे हिसाब से तो 2020 वाले एस्पिरेंट्स जो है ना, आपको ट्राई करना चाहिए एक महीने का। तो मैंने 2020 एस्पिरेंट मैंने आपको इन तीनों में से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब तुम देख लो तुम्हें कौन सा लेना है, बट हमने इस तरह से प्राइसिंग रखी कि हम चाहते हैं यार कि आप ज़्यादा देखो, ज़्यादा रिविजन करो, इसलिए हमने ट्राई किया कि यहाँ पर हम थोड़ा इतना ज़्यादा हमने नहीं रखा है प्राइस। मतलब अगर तुम यहाँ से कंपेयर करो ना, तो यहाँ पे 80% ऑफ टाइप हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे लगभग 66 हो रहा है, यहाँ पे 45% ऑफ है अगर आप इस प्राइस से देखो तो। तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका प्राइस आगे बढ़ते बढ़ते कम किया था कि आप लोग भी अच्छे रिविजन कर सको, ठीक है। तो अगर आप जैसे ये लेते हो तो आपका पूरा एक साल तक रहेगा, ये इतना रुपये लगेगा, एक साल तक रहेगा। अगर तुम इसकी पर मंथ की कॉस्ट देखो तो 800-900 रुपये हो रही है, 800 रुपये हो रही है, विच इज़ प्रोबेबली लेस देन, मतलब तुम, और 800 रुपये पर मंथ का मतलब है कि दिन का 25-30 रुपये, दिन का 25-30 रुपये तो तुम ऑटो से इधर उधर जाने में खर्च कर देते होगे, ठीक है। तो बहुत मतलब अगर तुम उस बेस पे देखो तो ये ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके 11th के रिविजन के लिए, ठीक है। तो ये प्राइसेस हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा 2020 एस्पिरेंट्स हो तो इन दोनों पे फोकस करना है, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें अगर केवल अप्रैल देना है तो ये ले लो, तुम्हें अगर अप्रैल एडवांस सब पे जाना है तो ये ले सकते हो, ठीक है। जो 11th के बच्चे हैं तुम इन तीनों पे फोकस करना, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्या है, ठीक है। अगर तुम, और इनमें कोई ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है भी नहीं, तो तुम देख लो जैसा तुम्हें लगे, ठीक है। मैंने ये ऑनेस्ट बता दिया आपका जो भी है, ठीक है। कंटेंट 35 आवर्स का रहेगा, कवर करने में लगभग आपको 1 से 3 महीने लगेंगे एक बार। आपको बार बार रिविजन करना है कि मेरे को तो आगे भी करना रहेगा, कि मुझे तो यार आगे भी 12th में आने के बाद भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करनी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी उसकी, इसका मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब रिविजन बार बार होता है तो अच्छा रहता है, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। आगे हमारे और भी प्लान्स हैं, आगे हम और भी चीज़ें लॉन्च करेंगे, और भी तरह के सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च करने वाले हैं, और भी कंप्लीट पैकेजेस भी होंगे, ठीक है। तो वो सब आगे रहेगा, मेंटरशिप, प्रो सर्विसेज वगैरह, तो वो जब जब लॉन्च होंगी हम आपको उसके नए कोर्सेज और नए स्कीम्स भी बताएंगे, बट अभी आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या कोर्सेज हो गए, एक हमारे पास होगा 2020 के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, जिसमें हमने 11th + 12th के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो आपके एब्सोल्यूट मेरिट लेटर ये हो गए, और एक 11th का रिविजन का कोर्स। आई थिंक अब अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है अपने जेई के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह की बातें बोलेंगे, मुझे पता है कमेंट्स में, कि आप ये सब कोर्सेज फ्री में क्यों नहीं डाल रहे हो वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे तुम्हें 2-3 बातें बताता हूँ, ठीक है, विच आई थिंक मुझे उनका भी एड्रेस करना चाहिए। पहली बात, ऐसा नहीं है कि हमारा तुम्हारे लिए कोई प्यार कम हो गया, क्योंकि आजकल बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि मैं केवल इन्हीं पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, केवल ये कर रहा हूँ, जबकि आप ध्यान से देखो तो मैं हर चीज़ बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल यही बोल रहा हूँ, मैं अपनी एडवाइस देता हूँ, प्लस मैं इसका भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे पहले मैं दूसरी कंपनीज का बताता था, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैंने खुद का कंपनी खोल के बता दिया है, तो उसमें मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। यूट्यूब पे हम क्यों नहीं डाल रहे, उसका रीज़न ये है कि आप यूट्यूब पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं जो डालते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें चाहिए तो जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्री एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट में दे भी रखा है, गवर्नमेंट ने सगाई स्कूल फ्री में खोल रखा है, लेकिन फिर भी आप क्या जाते हो क्या वहाँ पे? नहीं, क्योंकि फ्री जो चीज़ होती है ना, उसके साथ क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। अब जैसे मैं इनके लिए प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा बनाऊँ। अगर मैं अच्छा नहीं बनाऊँगा तो आप लोग बोलोगे कि मुझे पसंद नहीं आया, और आप आगे खरीदोगे ही नहीं। तो इसलिए मैं भी मोटिवेट होता हूँ, और आप लोगों ने प्राइस क्योंकि पे किया तो आप पढ़ोगे उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें और बढ़िया चीज़ें करनी है, जैसे अब मैं जैसे यूट्यूब पे फ्री में डाल दूँ तो उससे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो उससे हम बढ़िया टीचर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बढ़िया बढ़िया सर्विसेज नहीं दे पाएंगे आपको। अब जैसे इससे जो भी हमारा अमाउंट कलेक्ट होगा, उससे हम बढ़िया टीचर देने की कोशिश करेंगे, थोड़े दिन बाद हम और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऐप बनाने पर ध्यान देंगे। ये सब चीज़ों में क्या कैपिटल चाहिए होती है, वो कहाँ से आएगी कि अगर हम एक पेड मॉडल रखें, ठीक है। तो फ्री चीज़ें हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल हैं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो देखो, कोई मना नहीं कर रहा है, बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विस चाहते हो, जिसमें आपको बेटर सर्विस मिले, ठीक है, क्योंकि आप देखो कि बाकी जगह पे आप देखना, कहीं पे AI1 वगैरह कहीं नहीं पढ़ा रहे, कहीं भी देख लो, ठीक है। तो वैसे अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हम एक पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज़ मोर फॉर प्रीमियम सर्विस। YouTube पे वीडियोस आती रहेंगी, चिंता मत करो। मैं तो इवन सोच रहा हूँ कि कुछ कोर्सेज का कुछ कंटेंट भी अपन YouTube पे थे सैम्पल्स की तरह लॉन्च करेंगे, और हाँ, इनका सैम्पल्स भी हमने वेबसाइट पे डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सैम्पल्स, मतलब कोर्स के अंदर प्रीव्यू सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सैम्पल्स भी दिख जाएंगे, उनको आप देख के अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, अच्छे से सोच समझ लेना, ठीक है। पहला वाला कोर्स लोगों को पसंद आया था, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करना, कोई प्रेशर नहीं, कोई भी नहीं है, फिर भी प्यार रहेगा, फिर भी वीडियोज़ YouTube पे आती रहेंगी, और अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक वगैरह दिए हुए हैं, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फॉर देना। सैम्पल वीडियोस में यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, बट अगर तुम्हें देखनी हो तो कोर्स वेबसाइट पे दे रखी है। ऑल द बेस्ट।